नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सीता जयंती की, जानकी जयंती की आप सभी को, पूरे देशवासियों को मेरी ओर से और मेरी टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सीता जयंती वो दिव्य दिन था जिस दिन माता सीता धरती से प्राकटे हुआ था इनका, और जनक, राजा जनक के घर में पुत्री रूप में ये प्राकटे हुआ था। पुष्य नक्षत्र था उस दिन, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, दिव्य तिथि। और इस बार भी सीता नवमी के दिन आपने सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र, जिसका चार बार दिन में प्रयोग करना है, चार बार दिन में उस मंत्र का जाप करना है। आपकी कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, कितनी भी छोटी से छोटी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा, वो आपकी पूर्ण होगी। और तो और, कन्या दान जैसा फल मिलेगा आपको अच्छे कर्मों को करने का। एक छोटा सा दान, छोटा सा सहयोग आपके बच्चों की शादी करवा सकता है। आप शादी के बंधन के लिए तैयार हैं तो शादी के बंधन में बंध पाएंगे, जीवन के कष्ट दूर हो पाएंगे, धैर्य की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी। तो कुछ ऐसा ही विलक्षण योग सीता नवमी के दिन बन रहा है। तो माता सीता की भक्ति में आपने इस दिन जरूर रमना है। 16 मई को मनाया जाएगा सीता नवमी का ये पर्व, बहुत ही दिव्य पर्व है, और इन्हें राम भलवा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री राम की भी भक्ति कीजिएगा, माता सीता प्रसन्न होंगी। माता सीता की भक्ति कीजिएगा तो आपके कर्म सुधरेंगे। तो आपने इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखना है और विधि विधान से उस मंत्र को नोट करना है, जो मंत्र आपने पूरे दिन में चार बार इसका प्रयोग करना है और अपने सारे कष्टों से मुक्ति पा लेनी है। माता सीता को राम बल्लवा के नाम से भी जाना जाता है। अगर ज्ञान की शक्ति प्राप्त करनी हो तो आपको इस दिन व्रत करना चाहिए, जानकी जयंती का व्रत करना चाहिए। अगर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना हो तो भी आपको इस दिन व्रत करना चाहिए। और तो और, हर दान पुण्य का लाभ प्राप्त करना है तो भी आपको इस दिन व्रत जरूर करना चाहिए, या फिर भगवान श्री राम की और साथ के साथ माता जानकी की भक्ति जरूर करनी चाहिए। कहते हैं कि यहां पर इस समय किया हुआ एक दान कन्या दान जैसा फल देता है। इस समय किया हुआ एक दान भूमि दान के बराबर का फल देता है। इस समय किया हुआ एक दान आपको गौ दान जैसा फल देता है। यानी एक दान से आप अपने जीवन के कई कल्याण कर सकते हैं। धैर्य की शक्ति देती है, जीवन के अंदर सुख और समृद्धि देती है। और तो और, इनके व्रत से तो आप पति की दीर्घायु भी प्राप्त करते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, सर्व सुखों को पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इस व्रत से आप सुरक्षा भी पाते हैं, आप शांति भी पाते हैं। जानकी जयंती का ये जो व्रत है ये 16 मई को रखा जाएगा, वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर रखा जाएगा इस व्रत को। दान से बनता है आपके कल्याण का रास्ता, दान से बनता है आपके मोक्ष का रास्ता, लेकिन दान से ही बनेगा आपके सुख और समृद्धि का भी रास्ता। इसीलिए इस दिन खास दान जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर कन्याओं की शादी में दिक्कत आ रही है तो आप एक महा उपाय कर सकते हैं। किसी भी जरूरतमंद कन्या के शादी के लिए सहयोग कीजिए, और खास करके ऐसा सहयोग जिससे आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिल सकता है। कहते हैं कि किसी भी जरूरतमंद कन्या की शादी में अगर मंडप बनाने का खर्च आप उठाते हैं तो आपके घर में संतान की शादी जल्दी होती है। कुछ ऐसा ही उपाय आप सीता जयंती के दिन करके देखिए। कोई ऐसा जरूरतमंद व्यक्ति जिसकी कन्या की शादी में कुछ परेशानियां आ रही हो, धन को लेकर के समस्या आ रही हो, वादा कर दीजिए
उनसे उन्हें एक प्रण दे दीजिए कि आपकी कन्या की शादी में जितना मंडप का खर्चा होगा वो आप उठाएंगे। आप देखिएगा कितनी जल्दी रास्ता खुलेगा आपके बच्चों की शादी का। चाहे कितनी भी अड़चने क्यों ना आ रही हो, वो सारी अड़चने जो है वो दूर हो सकती हैं, लेकिन आप ये कार्य सीता जयंती के दिन ही कीजिएगा। अगर आपके पति पत्नी के बीच में किसी तरीके का तनाव चल रहा हो, कोई भी परेशानी चल रही हो, तो आप एक महा उपाय कीजिएगा। अब ये तो हो नहीं सकता कि डॉक्टर जो है अपना इलाज खुद कर लेता है, या डॉक्टर जो है अपना इलाज नहीं कर रहा तो वो डॉक्टर नहीं होता। आप उपाय देखिए, उपाय में कितना फल मिलेगा, ये उपाय किसके माध्यम से मिल रहा है, कहां से मिल रहा है ये नहीं, लेकिन आपका तरीका सही अपनाना है। आप तरीका सही अपनाइए, देखिएगा आपको कितना लाभ मिल सकता है। आपने श्रृंगार की सामग्री एक लाल चुनरी के अंदर लपेट करके माता सीता को भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए अर्पित करनी है। यकीन मानिए, देखिएगा आपको कितना लाभ हो सकता है। लाभ प्राप्त करने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन उसका सही तरीका चुनना आपका कर्तव्य है। एक ऐसा महा उपाय, एक ऐसा मंत्र, कहते हैं अगर के आप इस दिन करते हैं तो आपको व्रत जैसा ही फल मिलता है। अगर आप किसी कारण से व्रत भी नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप इस मंत्र को कीजिएगा। लेकिन अगर आप व्रत भी रख रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं, आप हर तरीके की विधियां भी कर रहे हैं, तो भी अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको बहुत लाभ मिल सकता है। ये मंत्र चारों पहर में करना है। पहले एक सुबह सुबह नहा धो करके करना है, फिर आपने दोपहर को 12 बजे के करीब ये मंत्र जाप करना है, उसके बाद शाम को संध्या के समय जब गोधूली वेला कह सकते हैं या फिर सूर्य अस्त का समय होता है उस समय करना है, और रात को जब आप पूजा करें अपने मंदिर के अंदर आप दीपक प्रज्वलित करें उस समय भी आपने इस उपाय को जरूर करना है, या फिर रात को सोने से पहले आपने इस उपाय को जरूर करना है। अब ये मंत्र क्या है, श्री जानकी रामाभ्याम नमः, श्री जानकी रामाभ्याम नमः, इस मंत्र का जाप कीजिएगा। यह मंत्र आप स्क्रीन पे भी चल रहा है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, श्री जानकी रामाभ्याम नमः। इस मंत्र का जाप एक माला जाप कर लीजिएगा। अगर आप स्फटिक पे करते हैं तो बहुत अच्छा, अगर स्फटिक की माला आपके पास नहीं है तो आप सिंपल रुद्राक्ष की जो माला होती है पंचमुखी, उसके ऊपर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन कीजिए इसे चार बार। एक माला सुबह कीजिए, एक माला 12 बजे के करीब कीजिएगा, और एक माला कीजिएगा आप सूर्यास्त का समय जो गोधूली वेला का टाइम चल रहा होता है, और एक माला रात को सोने से पहले आप कर लीजिएगा। ये मंत्र का जाप भगवान श्री राम का ध्यान करते हुए कीजिएगा, माँ जानकी का ध्यान करते हुए कीजिएगा। यकीन मानिए आपके जीवन के अंदर चाहे कोई भी परेशानी होगी वो सारी परेशानियों का सोल्यूशन निकल जाएगा, दान पुण्य का फल मिलेगा आपको, व्रत का आपको फल मिलेगा, और अगर व्रत करते हैं तो फल कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो माता जानकी के लिए समर्पित कर दीजिए इस दिन को, पूजा भक्ति कीजिए और भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए। माँ आपको ढेरों आशीर्वाद देंगी, आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेंगी। अपने जीवन को सुखी बनाइए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचते हैं या मुख से अच्छा बोलते हैं तो आपके जीवन में अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं कि सोच आप अच्छा रहे हो लेकिन मुख से बहुत कड़वा निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है कि मुख से आप अच्छा बोल रहे हो लेकिन दिलों और दिमाग में नियत में आपके खोट चल रहा हो, तो ये दोनों चीजों का कहीं ना कहीं आपस में बैलेंस है। जैसे भाव हो वैसे ही मुख से अल्फाज भी निकलने चाहिए, तो इसीलिए आपने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, अच्छा सोचते हुए पॉजिटिव रहते हुए दिल दिमाग शांत रखते हुए आपने इस उपाय को करना है, ताकि आपको खूब सारा लाभ मिले और आपके जीवन में सुख और समृद्धि और ऐश्वर्य आए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।